एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट उस्मा शेख और हम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट और उसमें हम देखेंगे कॉर्पोरेट पर्सनालिटी और कॉर्पोरेट पर्सनालिटी की थियरीज। तो हम पहले देखते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी मींस कॉर्पोरेट और द कॉर्पोरेशन और द कंपनी जो है वो खुद एक इंडिविजुअल है, वो खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। ये थियोरी डिफरेंट प्रोफेसर्स, डिफरेंट लॉयर्स, डिफरेंट जूरिस्ट ने जो अलग अलग थियोरीज दी है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को क्यों आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कहा जाता है। इसके लिए थियोरीज देखने से पहले हम देख लेते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है, एक बार रिविजन कर लेते हैं। कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, द वर्ड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी, पर्सनालिटी वर्ड जो है उसमें जो परसोना है, परसोना वर्ड है, वो लैटिन टर्म लैटिन टर्म से लिया गया है जिसका मीनिंग होता है पर्सन। पर्सन यूजुअली वर्ड जो रहता है वो यूज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, इंसान के लिए। तो इंसान या ह्यूमन बीइंग जो होता है वो पर्सन होता है। तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी का मतलब इंडिविजुअली ये होता है एक पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सन। लेकिन क्योंकि हमारे लीगल टर्म में आपको जैसे मालूम है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कौन बनाता है, लॉ बनाती है आर्टिफिशियल पर्सन, उसको आर्टिफिशियल पर्सन का या पर्सन का स्टेटस दिया जाता है। हमारी बहुत सारी ऐसी एक्ट्स है जिसमें वर्ड पर्सन डिफाइन किया गया है जो ना कि खाली रियल पर्सन को कवर करता है बल्कि बहुत सारे आर्टिफिशियल पर्सन जिसमें कंपनी और बहुत सारी बाकी तरह के पर्सन को भी कवर करता है। उसी तरह जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी टू टाइप्स की होती है, एक होती है सोल पर्सनैलिटी और एक होती है एग्रीगेट पर्सनैलिटी। सोल पर्सनैलिटी, जैसे सोल पर्सनैलिटी वर्ड का मतलब यही होता है कि एक इंडिविजुअल। तो ऐसी कंपनीज या ऐसी कॉर्पोरेट जिसको एक इंडिविजुअल हैंडल करता है या एक इंडिविजुअल उसका हेड होता है वो कहलाती है सोल कॉर्पोरेट या सोल पर्सनैलिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किंग या मोनार्च या क्वीन किसी कंपनी की हेड है या मालिक है तो वो कहना है कि सोल, कॉर्पोरेट सोल। इसी तरह अगर कोई मास्टर या एडमिनिस्ट्रेटर है वो अगर किसी कंपनी को हैंडल करता है तो वो कहलाएगा सोल कॉर्पोरेट या कॉर्पोरेट सोल। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट एग्रीगेट। कॉर्पोरेट एग्रीगेट में होता है अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सारों को जमा करना। उस ग्रुप ऑफ पर्सन को जिसमें बहुत सारे पर्सन जो रहते हैं वो उसके हेड होते हैं या रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट एग्रीगेट। अब हमने देखा कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के भी टू टाइप्स है, कॉर्पोरेट सोल और कॉर्पोरेट एग्रीगेट। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती क्या है। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो है वो है एक लीगल पर्सन, वो रियल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी को ही कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कहा जाता है, उसको लीगल पर्सन का स्टेटस है, उसको इन टर्म्स ऑफ लॉ उसको एक पर्सन डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद आते हैं इंडिविजुअल, देन इज मेंबर। मेंबर्स और कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी दो अलग अलग चीज है। एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को, एक कॉर्पोरेट को बनाने के लिए बहुत सारे मेंबर्स जमा होते हैं, वो मिलके एक कंपनी को बनाते हैं, लेकिन कंपनी और उसके मेंबर्स दोनों अलग अलग चीज है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा टर्म, परमानेंट ऑफिस। हर कॉर्पोरेट या कंपनी के पास उसका एक परमानेंट ऑफिस, एक परमानेंट एड्रेस होता है। यूजुअली आपने कंपनी का लेटर हेड अगर देखा होगा या कंपनी का कहीं प्रॉस्पेक्टस देखा होगा या कंपनी की कहीं एडवर्टाइज देखी होगी तो वहां पर उसके हेड ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है नीचे। तो हर कंपनी के पास एक उसका परमानेंट एड्रेस होता है क्योंकि वो एक लीगल पर्सन है, उसके पास उसका एक परमानेंट एड्रेस भी है। फिर आता है पर्टिकुलर नेम। एक लीगल पर्सन है, हर पर्सन का जिस तरीके के हमने पहले ही मैंने बताया कि टर्म पर्सोना मीन्स होता है पर्सन, तो हर पर्सन का एक अपना नाम होता है। तो यहाँ पे भी हर कंपनी का या कॉर्पोरेट बॉडी का एक नाम होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक कॉर्पोरेशन है, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिलायंस एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कॉमन सील। हर कंपनी का एक अपना सील होता है। आपको अगर मैं बोलूंगी कंपनी के नाम तो आपको लोगो याद आ जाएगा, जैसे पार्ले जी उसका भी, जैसे पार्ले कंपनी उसका एक लोगो है। उसके अलावा टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी उनका एक लोगो है, L&T उनका एक लोगो है, इस गूगल उनका एक लोगो है। इस तरीके से हर कंपनी का अलग अलग लोगो होता है।
ये कंपनी का वो रिप्रेजेंट करती है। आप जैसे कॉलेजेस में जाते हैं तो आपकी कॉलेज के भी नाम के ऊपर एक लोगो होता है या एक कॉलेज का जो मोटिव मोटो होता है या कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक पिक्चर होती है, कॉलेज की एक सील होती है। उसी तरह हर कंपनी की भी एक कॉमन सील होती है। कंपनी के पास होता है उसका खुद का मेमोरेंडम। मेमोरेंडम ये होता है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि कंपनी को कैसे मैनेज किया जाए या कंपनी को मैनेज करने के क्या क्या रूल्स होंगे या किस तरीके से कंपनी मैनेज की जाएगी, कितने डायरेक्टर्स होंगे, कितने शेयर्स उनको लेने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए डायरेक्टर्स के लिए, किस तरीके से कंपनी जो है बाहर वालों से रिप्रेजेंट करेगी एक्सेट्रा। उसके बाद आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। एवरी कंपनी विच इज अ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी विच इज अ लीगल पर्सन उसकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। वॉट एवर प्रॉपर्टी द कंपनी है, भले ही जो डायरेक्टर्स होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं वो अपनी मेहनत लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने टैलेंट का, लेकिन कंपनी के पास जो पर्सनैलिटी प्रॉपर्टी होती है वो कंपनी की खुद की प्रॉपर्टी होती है। वो ना के मेंबर्स की होती है, ना के शेयर होल्डर्स की होती है और ना के डायरेक्टर्स की होती है। तो कंपनी की जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी खुद की होती है। जो कंपनी है वो लीगल पर्सन है उसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। तो अब हमने देख लिया है कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होती है या कंपनी क्या होती है, क्यों उसको लीगल टर्म में उसके पास क्या क्या है। वो एक लीगल पर्सन है, वो इंडिविजुअल है, देन इट्स मेंबर, उसके पास एक परमानेंट ऑफिस होता है, परमानेंट नेम होता है, उसके पास अपना खुद का मेमोरेंडम होता है और उसके पास उसकी खुद की सेपरेट प्रॉपर्टी होती है। इसी तरह ये सारे होने के साथ साथ कंपनी को सू भी, लीगल मैटर्स में कंपनी खुद भी किसी को सू कर सकती है या कोई उसे लीगल मैटर में सू कर सकता है। ये हमने जान लिया कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है। अब हम देखेंगे थियोरीज। बहुत सारे ऐसे एमिनेंट प्रोफेसर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जूरिस्ट हैं और बहुत सारी ऐसी फॉर्म हैं जिन्होंने बहुत सारे डेफिनेशन दिए हैं, उनके खुद के अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। तो उन सारे स्कूल ऑफ थॉट ने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को क्यों इंडिविजुअल बताया गया है, देन उसको लीगल स्टेटस में एक आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस क्यों दिया गया है, इसके लिए बहुत सारी थियोरीज हैं। यहाँ पर हम चार बेसिक थियोरीज लेंगे। ऐसे बहुत सारी और भी थियोरीज हैं लेकिन हम चार बेसिक थियोरी जो हमको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को समझने के लिए जरूरी है वो हम लेंगे। हमारी पहली थियोरी है फिक्शन थियोरी। फिक्शन का मतलब ही होता है इमेजिनेशन या सिर्फ मन घड़त। फिक्शन का सही वर्ड होगा हिंदी में मन घड़त। तो मन घड़त थियरी यानी मन घड़त कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को एक मन घड़त या ऐसे ही फिक्शन एक ऐसे समझने के लिए बनाया गया है। ये थियोरी को दिया है हॉलैंड ने और सर सैलमन ने। ये थियोरी के हिसाब से जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है या कंपनी है वो एक पर्सन नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है या भ्रम है। वो एक पर्सनैलिटी नहीं है, वो पर्सन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन है और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्रिएट की गई है ताकि अगर कोई लीगल एक्शन लेना है या कंपनी को सू करना है तो आप कंपनी को सू करें, उस आर्टिफिशियल पर्सन को सू करें। ये थियोरी के हिसाब से कंपनी एक फिक्शन है, एक भ्रम है, इमेजिनेशन है खाली, वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। ये थियोरी सिर्फ ये कहती है कि कंपनी बनाई गई है या उसको आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस दिया गया है ताकि आप उसको सू कर सके या वो सू कर सके। ये कंपनी ये थियोरी की बहुत सारे क्रिटिसिज्म है, इसमें बहुत सारे कमियां हैं। इसकी बेसिक कमी ये है कि क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी, अगर ये आर्टिफिशियल पर्सन कंसिडर किया गया है तो क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी जो है वो कंपनी के ऊपर क्यों लागू होती है, क्यों उसको सू कर सकता है, सू करने के बाद उसके ऊपर क्रिमिनल और सिविल लायबिलिटी लागू होती है। और अगर कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो उसके पीछे का जो पर्सनैलिटी है वो क्यों नहीं कंसिडर की जाती, ये इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। अब हम देखेंगे अगली थियरी, रियलिस्टिक थियरी। अगली थियरी है रियलिस्टिक थियरी। रियलिस्टिक थियरी जो है वो फिक्शन थियरी का एकदम अपोजिट है, या हम लोग कह सकते हैं कि वो फिक्शन थियरी का क्रिटिसिज्म है, या रियलिस्टिक थियरी फिक्शन थियरी को क्रिटिसाइज करती है। रियलिस्टिक थियरी के हिसाब रियलिस्टिक थियरी को दिया है सर पॉलक ने और डॉक्टर मरे ने। डॉक्टर मरे के हिसाब से कंपनी को या कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को एक रियल पर्सन का स्टेटस
कंसिडर करना चाहिए, वो एक रियल पर्सन की जितना ही पावर रखती है, उसको आप क्रिमिनली और सिविल भी सू कर सकते हैं, उसके पास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास एक पर्टिकुलर नेम होता है और वो खुद एक लीगल एग्जिस्टेंस करती है जिसके पास एक पावर होता है। और ये जो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी होती है वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन चलाते हैं, तो उस ग्रुप ऑफ पर्सन का माइंड, उनकी थिंकिंग, उनका सोच जो है वो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर दिखता है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर झलकता है। इसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स होते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी को, डिस्टिंक्ट फीचर ये होता है कि हमने अभी देखा फीचर्स क्या है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर, तो कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर डिस्टिंक्ट फीचर होते हैं ग्रुप ऑफ पर्सन जो उसको चलाते हैं, वो उनकी थिंकिंग या उनका सोचने का तरीका या उनका एक्शन लेने का तरीका कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के अंदर आता है। तो वो रियलिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि वो रियलिस्टिक है, वो इमेजिनेशन नहीं है या फिक्शन नहीं है। लेकिन ये थ्योरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये कलेक्टिव विल, अगर कॉर्पोरेट पर्सन एक ग्रुप ऑफ पर्सन चलाती है तो वो कलेक्टिव विल को कंसिडर नहीं करती या कलेक्टिव विल को इम्पोर्टेंस नहीं देती, वो ग्रुप ऑफ पर्सन के जो डिसीजन मेकिंग है उसको कंसिडर नहीं करती है। हमारी तीसरी जो थियरी है वो है ब्रैकेट थियरी। ब्रैकेट थियरी को दिया है जर्मन ज्यूरिस्ट जेरिंग ने। जेरिंग के हिसाब से ये एक लीगल डिवाइस है, कंपनी एक लीगल डिवाइस है जो बनाई गई है, उसको एक ब्रैकेट दिया गया है या कंपनी को एक सिंबलाइज दिया गया है इसके लिए, ताकि कंपनी का किसी का इंटरेस्ट या राइट प्रोटेक्ट किया जा सके। लोगों का नाम देने की जगह एक ब्रैकेट दिया गया है कि हाँ भाई ये लोगों की जगह पे एक सिंबल है, ये एक सिंबल है कि हाँ भाई लोग, बहुत सारे लोगों का नाम नहीं लिया जाता, उसकी जगह पे कंपनी का नाम ले लेते हैं। और अगर आपको कोई लीगल है, लीगल प्रॉब्लम है या लीगल सुइंग है या लीगल एक्टिविटी है या डीलिंग है, तो हर लोगों के नाम की जो उसको मैनेज करते हैं उसकी जगह पे के कंपनी का नाम लिया जाता है, वो एक ब्रैकेट है या एक सिंपलाइजेशन है। इसके हिसाब से राइट्स और इंटरेस्ट सिर्फ ह्यूमन के पास होता है, ह्यूमन का राइट एंड इंटरेस्ट सिर्फ प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कंपनी का राइट एंड इंटरेस्ट नहीं होता है। ब्रैकेट थियरी का सबसे बड़ा शॉर्टकट ये है कि ब्रैकेट थियरी जो है वो ब्रैकेट कब रिमूव करना है। जैसे कि हमको मालूम है कि कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी नहीं मरती अगर उसके ऑपरेटर, उसका डायरेक्टर, उसका मेंबर, उसका शेयर होल्डर अगर वो चला जाए या वो मर जाए तो कंपनी नहीं खत्म होती, कंपनी की अपनी खुद की लाइफ होती है इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स मेंबर। तो कंपनी की कब वो ब्रैकेट को रिमूव किया जाए, कब वो पुराना ब्रैकेट या वो ब्रैकेट जिसको सिंबलाइज करते हैं वो रिमूव किया जाए, वो नहीं दिया जाता, नहीं स्पेसिफाई किया इस थ्योरी में। इस थ्योरी का सबसे बड़ा शॉर्टकट ये है कि ब्रैकेट को कब रिमूव करना है वो स्पेसिफाई नहीं किया है। उसके बाद आती है पर्पस थ्योरी। अकॉर्डिंग टू पर्पस थ्योरी का डेफिनेशन स्टोल्जर और सर फोर्ड ने दिया है, इसके हिसाब से ये थ्योरी जो है बनाने का मेन मकसद ये है कि टू प्रोटेक्ट पर्पस, पर्पस को बचाने के लिए, किसी पर्पस के लिए, किसी मकसद के लिए थियरी बनाई गई है। और मकसद ये है कि कंपनी के डीलिंग के लिए, जो कंपनी डील करती है, जो इंडिविजुअल है जो इसमें अपना पैसा लगाते हैं या जो उसके अंदर मेंबर है या जो उसके अंदर डायरेक्टर है, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए थियरी कहती है कि ये कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन का कंसिडर किया गया है। और मेन इसका जो पर्पस थियरी के हिसाब से जो प्रॉपर्टी रहती है, जो कंपनी के पास प्रॉपर्टी रहती है, किसी पर्पस के लिए कंपनी के पास रहती है और वो किसी एक जन को नहीं बिलोंग करती है या वो किसी इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करती है, लेकिन जो प्रॉपर्टी रहती है वो किसी पर्पस के लिए कंपनी के पास है, इसलिए वो पर्पस को डिफाइन करने के लिए कंपनी को कंसिडर किया गया है। ये थियरी का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म ये है कि ये पर्पस को डिफाइन करती है लेकिन ऑब्जेक्टिव को नहीं डिफाइन करती है। प्रॉपर्टी किस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी के नाम पे है या कंपनी होल्ड करती है, जैसा कि हम जानते हैं कि कंपनी बनती है तो उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर करने का हो, चाहे वो किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने का हो, या चाहे किसी को, जैसे आपको मालूम है कि ट्रस्ट बनाना हो, वेलबींग हो पीपल के लिए, उसके लिए भी कंपनी बनाई जाती है। तो कंपनी जो